आप लोग तीन मेथड पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बोलिए नहीं। पहला है स्कैटर्ड डायग्राम मेथड, ठीक है। दूसरा है कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ कोरिलेशन। तीसरा है स्पीयरमैन्स मेथड ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। ये तीन मेथड आपको स्टडी करने हैं, जिसमें से पहला मेथड है स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। इसमें क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे। मीन्स देर आर फाइव डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो डिग्री फाइव है, उसके बारे में हम डायग्राम बनाएंगे। तो पहला जो होगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब यह है, ये होगा प्लस वन। मीन्स जो एक्स वाई या दो वेरिएबल्स के बीच में जो कोरिलेशन होंगे वो कैसे होंगे, परफेक्ट पॉजिटिव होंगे। मीन्स दोनों एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और लाइन का स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इधर आया वाई वेरिएबल और इधर आया एक्स वेरिएबल, ये ओरिजिन हो गया। मीन्स जो हम पॉइंट्स जब दोनों एक्स और वाई का दोनों का लेंगे तो आपको ये बिल्कुल पॉइंट इस तरह पॉइंट वाइज मिलेंगे, मतलब जो दोनों के पॉइंट मिलेंगे उसको मिलाने से एक सीधी लाइन बनेगी, ठीक है। मतलब दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और लाइन मिलाने के बाद एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, सीधी रेखा, ठीक है। ये हुआ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। मीन्स दैट इज आर, कोरिलेशन को हम स्मॉल आर से शो करेंगे। दूसरा परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट निगेटिव में एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल ओपन हो गया, वाई और एक्स हो गया। मीन्स जो पॉइंट आपको मिलेंगे वो इस तरह नेगेटिव मिलेंगे, इसको मिलाने के बाद आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इसको कोई नाम भी दे सकते हैं ए बी, ठीक है। यहां पे जो पॉइंट्स मिला वो भी स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, लेकिन उसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। ये है माइनस वन, आर इक्वल टू माइनस वन, और यहाँ पे है आर इक्वल टू प्लस वन, ठीक है। तीसरा जो होगा पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन में जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएंगे, लेकिन वो पॉजिटिव वे में होंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स कंसंट्रेशन ऑफ पॉइंट आपको इस तरह से मिल रहा है, ठीक है, ये इस तरह पॉइंट मिल रहा है।
लग रहा है कि आपको ये पॉजिटिव है, ठीक है। देखिए स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है लेकिन ये पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है। दूसरा फोर्थ है नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन में सेम उसी तरह से जैसा यहां पे पॉजिटिव दिख रहा था, सारे पॉइंट्स पॉजिटिव मिल रहे थे, स्ट्रेट लाइन नहीं मिला, उसी तरह से इसमें नेगेटिव मिलेगा। जो कंसंट्रेशन है, ये जो पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको, ये इस तरह से नेगेटिव। और लास्ट है फिफ्थ, नो कोरिलेशन या R इक्वल टू जीरो, मतलब R की वैल्यू जीरो हो, जिसमें कोई भी ना तो पॉजिटिव हो ना तो नेगेटिव हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट्स कोई पॉइंट एक यहां मिला, एक यहां मिला, एक यहां मिला, एक यहां मिला, एक सेंटर में, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। अब बताइए इसमें क्या कोरिलेशन? कुछ भी नहीं। तो ऐसे केस में जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। आगे दूसरा मेथड है कार्ल पियर्सन, मेथड ऑफ कोरिलेशन। इसमें देखिए हम तीन मेथड यूज करेंगे। देखिए दो वेरिएबल इंडिविजुअल सीरीज का कोई मतलब नहीं है इसमें, ठीक है। मतलब टू वेरिएबल्स होने चाहिए, थ्री वेरिएबल भी हो सकते हैं, टू वेरिएबल्स होने चाहिए कोरिलेशन निकालने के लिए, तभी तो कोरिलेट कर पाएंगे एक दूसरे से। तो इसके लिए पहला जो मेथड है वह है डायरेक्ट मेथड। जो डायरेक्ट मेथड होगा इसमें आपको अर्थमेटिक मीन निकालना होगा। अर्थमेटिक मीन दैट इज एक्स बार, एक्स बार से कैलकुलेट करेंगे और फॉर्मूला होगा R इक्वल टू सम ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट सम ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू सम ऑफ वाई स्क्वायर। यहाँ पे जो स्मॉल x है, स्मॉल x इक्वल टू x माइनस x बार, स्मॉल y इक्वल टू y माइनस y बार। तो ये जो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है, जो R हमने लिखा है यहाँ पे कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे और इसमें आपको जो वैल्यूज है वो कैलकुलेट करनी है। पहले हम x निकालेंगे, स्मॉल x, x के वेरिएबल से जो अर्थमेटिक मीन है माइनस करके स्मॉल x निकल जाएगा यहाँ पे, फिर उसका स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर इसी तरह से y का जो अर्थमेटिक मीन अलग होगा, x का अर्थमेटिक मीन अलग होगा, ठीक है। फिर y की वैल्यू में से उसका अर्थमेटिक मीन y बार को माइनस करेंगे तो हमें स्मॉल y मिलेगा, उसका स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। और जहाँ पे x y निकला है दोनों को कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इंटू वाई आ गया, ठीक है। तो अभी आगे हम देखेंगे किस तरह से इसको सॉल्व करना है। दूसरा मेथड जो है, ये पहला मेथड हो गया डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड। अभी हमने देखा कि पहले जो डायरेक्ट मेथड में है इसमें अगर हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो उससे डेविएशन निकालना है, ठीक। ये क्या है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई क्या है, डेविएशन ही तो है, अर्थमेटिक मीन से डेविएशन है। मुश्किल किस बात की है
कि अगर ये कंप्लीट नंबर में आता है, x बार y बार की वैल्यू कंप्लीट नंबर में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कंप्लीट नंबर में नहीं आती है वैल्यू x बार y बार, अर्थमेटिक मीन ऑफ x सीरीज, अर्थमेटिक मीन ऑफ y सीरीज, अगर ये पॉइंट में आता है तो सारा काम मुश्किल हो गया, क्योंकि ये जो आप माइनस करेंगे ये भी पॉइंट में आएगा, इसका स्क्वायर निकालेंगे, पॉइंट का स्क्वायर निकालेंगे वो भी पॉइंट में आएगा, और ऐड करना फिर यहाँ मल्टीप्लाई करना मुश्किल काम हो जाएगा। इसके बाद इस प्रक्रिया से, इस डिफिकल्टी से बचने के लिए कार्ल पियर्सन ने शॉर्टकट मेथड लिया अपनाया है। शॉर्टकट मेथड में हम क्या करेंगे, जो एज्यूम्ड वैल्यू लेंगे, जैसे अभी तक करते आ रहे हैं, एज्यूम्ड वैल्यू लेंगे, तो जो एज्यूम्ड वैल्यू होगा मीन्स जो ये एज्यूम्ड वैल्यू मिलेगा आपको, ये डेविएशन फ्रॉम एक्स मिलेगा मीन्स एक्स माइनस ए एक्स, डीएक्स निकला जो हमें एक्स माइनस ए एक्स इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो एज्यूम्ड वैल्यू किसका है, एक्स का है, एक्स सीरीज का है। इसी तरह से जो डेविएशन फ्रॉम वाई होगा, वाई माइनस ए वाई होगा, ए वाई क्या है, एज्यूम्ड वैल्यू ऑफ वाई सीरीज। अब फार्मूला यूज होगा, अब फार्मूला थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इधर लिखते हैं, सबसे पहले डिवाइड की लाइन बना लीजिए, ठीक है, सम ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई, सम ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई माइनस सम ऑफ डी एक्स इंटू सम ऑफ डी वाई डिवाइडेड बाई एन, अब टोटल का डिवाइडेड बाई, ये पूरा अंडर रूट में रहेगा, ठीक है, दो अंडर रूट बनेंगे, आप आधा ही बनाते हैं, ठीक है, सम ऑफ डीएक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ डीएक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू अंडर रूट अब वाई सीरीज का, सम ऑफ डी वाई का स्क्वायर माइनस सम ऑफ डी वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ये है फॉर्मूला। अब तीसरा मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ये देखिए, ये वाला पार्ट एक्स का है और ये वाला पार्ट वाई सीरीज का, ठीक है, तो यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे केवल ऊपर वाले का ही होल स्क्वायर है, एन का स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पर डी एक्स का ही केवल होल स्क्वायर है। उसी तरह से यहाँ पे सम ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई, तो यहाँ देखिए अलग हो गया, सम ऑफ डी एक्स इंटू सम ऑफ डी वाई डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। इसी तरह से अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड में हम जैसे पहले ही जानते हैं जो डेविएशन फ्रॉम एक्स है उसको अगर कॉमन वैल्यू से डिवाइड कर सकते हैं तो कॉमन वैल्यू से डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ से हमें मिलेगा डी एक्स डैश इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई सी, और डी वाई का मिलेगा डी वाई डैश का डी वाई डिवाइडेड बाई सी, कॉमन वैल्यू से केवल डिवाइड कर दिया, तो जहाँ पे डी एक्स लिखा हुआ है वहाँ पे डी एक्स डैश हो जाएगा। फॉर्मूला क्या चेंज होगा, सम ऑफ डी एक्स डैश इंटू डी वाई डैश माइनस सम ऑफ डी एक्स डैश इंटू सम ऑफ डी वाई डैश डिवाइडेड बाई एन, ठीक है, अंडर रूट सम ऑफ डी एक्स डैश का स्क्वायर माइनस
सम ऑफ डीएक्स डैश का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इनटू अंडर रूट फिर से सम ऑफ डीवाई डैश का स्क्वायर माइनस सम ऑफ डीवाई डैश का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। पहला वाला क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ यूजिंग कार्ल पियर्सन मेथड बेस्ड ऑन एक्चुअल मीन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। आपको हस्बैंड की एज और वाइफ की एज में कोरिलेशन निकालना है, रहता है कोरिलेशन रहता है कि नहीं? ऐसा नहीं रहता कि पुरुष जो है 90 साल का है और लड़की है 20-25 साल की है, ऐसा तो नहीं रहता है। There is some correlation between age of husband and wife. 2-4-6 साल का अंतर है। ये हो गया X, ठीक है? इसका सम बताइए जोड़ के कितना आ रहा है, एंड इक्वल टू 8 आ रहा है। इसका एक्स बाहर निकाल लीजिए, 256 डिवाइडेड बाय 8 कितना है, डिवाइड करके बताइए। 32 माइनस कर लीजिए, सब में से माइनस करना है 32 इसका डेविएशन निकाल लेते हैं। पहले कितना आया, माइनस ट्वेल्व माइनस नाइन माइनस प्लस माइनस वन माइनस थ्री प्लस माइनस एस प्लस 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 प्लस
बोलो नहीं, आवाज निकालो वहां पर। ठीक है, इसी तरह से वाई सीरीज लेके प्लस 5 प्लस 6
अभी हमें एक और कॉलम निकालना है। एक्स और वाई का कॉलम निकालना है। ये एक्स है यहाँ पे और इधर है वाई। इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करके लिखना है। देखिए तब तक हम इधर सब करते हैं। इसका सम चाहिए, उसका सम चाहिए और लास्ट वाले का सम चाहिए। मल्टीप्लाई करके लिखे आगे। ये हंसी भूल जाएगी, जो हंसी आ रही है ना एग्जाम में आ गया तो भूल जाएगी हंसी। बोलो नहीं, अपनी कॉपी में लिखो, जब कहा जाएगा तब बता रहा। अब इसको मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आया इधर। माइनस 12 इनटू माइनस 11 कितना आया? 132। अगले वाले में 81 हो गया। 25 1 इनटू 1 हो गया 56 हो गया, ये 90 हो गया। सम करिए, एक माइनस कर देना इसमें। 9 6 15 15 5 20 21 22 0 तो 11 11 5 16 16 3 19 20 21 22 और 8 21 22 403 कैसे आ गया? 402 कितना है? 402 423 माइनस 1 करना भी ने कर दिया। यहाँ तो एक माइनस करके तो 22 ही आ रहा है। ठीक है, अब इसको जो फॉर्मूला बताया गया है उसी फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर दीजिए। 2 मिनट ओके, बाकी नहीं। बैठो भी। आर इक्वल टू सम ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट सम ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू सम ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये आया आपका 423 अंडर रूट सम ऑफ एक्स स्क्वायर आया 460 इनटू अंडर रूट आया 423। इसको सॉल्व कर दो। जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा।